अर्चा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी और खास खबरों पर। शाजापुर में कलेक्टर द्वारा राजस्व एवं अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की बैठक आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की जाएगी। लैमोसाइक इंडिया आईपीओ ने प्राइस ब्रांड का ऐलान कर दिया है। कंपनी का आईपीओ आज से 26 नवंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 61.20 करोड़ रुपए का है। बता दें कि कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 600 शेयरों का है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट ने 26 तारीख से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए कहा था। पलवल में आज जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले में कई बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। ऐसे में उम्मीदवार इस जॉब फेयर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। 19 नवंबर को केंद्र ने मंगलवार को कहा कि कीमतों को काबू करने के लिए बाजार हस्तक्षेप के तहत 720 टन बफर प्याज की पांचवी खेप आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेगी। ये पिछले महीने शुरू की गई सरकार की पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे के जरिए पहली बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक बफर प्याज पहुंचाया जाएगा। बीना नदी स्थित नगरपालिका के फिल्टर प्लांट की सफाई कराई जानी है। नगरपालिका के अधिकारियों ने बताया कि आज प्लांट की सफाई होगी, जिससे शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। असम विधानसभा की अधीनस्थ समिति आज वायुयान से झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार सभापति सहित 11 सदस्यों की यह समिति 22 नवंबर को उदयपुर एवं माउंट आबू के स्थानीय भ्रमण पर रहेगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाने का आदेश दिया। आज ही कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि इस मामले को MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए या नहीं। उज्जैन में 592 बेड से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। सीएम मोहन यादव आज भूमि पूजन करेंगे। बाद में नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र स्थापित कर मेडिसिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। राजनांदगांव में श्री आनंद कृष्ण धाम के महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती का आज नगर आगमन होने जा रहा है। स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती का सत्संग आज दोपहर 3:30 से सत्य नारायण धर्मशाला में होगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1941 में आज ही के दिन गुजरात की पहली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म हुआ था। साल 1956 में आज ही के दिन एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। साल 2021 में आज ही के दिन गुरमीत बावा, प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका का निधन हुआ था। साल 2002 में आज ही के दिन नवीन मलिक, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान का जन्म हुआ था। साल 2006 में आज के दिन भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।